Drop it. दोस्तों आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बड़ी ही मज़ेदार होने वाली है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। मैं हूँ विशु चुग और आप देख रहे हैं टेक टॉक्स विशु। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे टेक्निकल चैनल टेक टॉक्स विशु में। दोस्तों आजकल फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का चलन पहले से काफ़ी बढ़ गया है। लोग अपनी तरह तरह की फ़ोटोज़ क्लिक करके इन सोशल मीडियाज़ पर पोस्ट करते हैं और ये फ़ोटो जितने ज़्यादा यूनिक और अट्रैक्टिव होते हैं उतने ही ज़्यादा हमें लाइक और कमेंट्स इन सोशल मीडियाज़ पर हम इकट्ठा कर सकते हैं और उतनी ही ज़्यादा हमारी फ़ोटोज़ वायरल होती हैं। तो अपनी फ़ोटो को यूनिक और अट्रैक्टिव बनाने के लिए लोग तरह तरह की फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो आज मैं ऐसे ही एक यूनिक फ़ोटो एडिटर सॉफ्टवेयर के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ जो सभी एप्लीकेशन से काफ़ी अलग है। कैसे अलग है वो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और चलते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर। अब हमें सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है AI कट। ये देख रहे हैं ऊपर आप, AI कट के नाम से एक एप्लीकेशन ऊपर यहाँ सर्च हिस्ट्री में आ चुकी है। यहाँ पर क्लिक करते हैं और इस एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया है। मैं इसे एप्लीकेशन ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक कैमरा का ऑप्शन मिलता है जिससे आप अभी फ़ोटो खींचकर और एडिट कर सकते हैं और गैलरी में जो पहले से फ़ोटो आपने खींची हुई है उसको आप एडिट कर सकते हैं। हम गैलरी में चलते हैं और एक फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैं ये वाली एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस फ़ोटो को सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए इस एप्लीकेशन ने अपने आप बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट को समझ लिया है, स्कैन कर लिया है। हमारे द्वारा अपलोड की गई फ़ोटो का बैकग्राउंड इसने ढूंढ लिया है। ये बैकग्राउंड है इसका और ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये बैकग्राउंड को हम ब्लैक एंड वाइट या ब्लर या जो भी करना चाहते हैं हम यहाँ से बड़ी आसानी से कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को हम अब हाईलाइट करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम कलर रख सकते हैं। अब यहाँ हम बैकग्राउंड पर क्लिक करके यहाँ नीचे एडिट पर क्लिक करते हैं तो हमें चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं यहाँ, कंट्रास्ट, ब्राइटनेस, सैचुरेशन और ब्लर। कंट्रास्ट में हम कम या ज़्यादा करते हैं तो आप देखिए बैकग्राउंड का जो ये कलर है ये चेंज हो रहा है, ये लाइट हो रहा है। इसे अगर हम ज़्यादा कर देते हैं तो ये पूरा कलर हो जाता है। तो इसी तरह ब्राइटनेस में भी ये आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं और ये सैचुरेशन वाला ऑप्शन बड़ा ही अच्छा है। इसे आप जब इसे कम करते हैं तो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो एकदम से ब्लैक एंड वाइट हो जाता है जो कि फ़ोटो में एक गजब लुक देता है, एक अट्रैक्टिव लुक देता है। अब देखिए ये मेरी फ़ोटो में जो बैकग्राउंड है ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो गया और मेरी जो ये फ़ोटो है ये कलर है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो कलर है, जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक एंड वाइट हो चुका है। तो इसी तरह ये जो लास्ट ऑप्शन है ये ब्लर का ऑप्शन है। यहाँ हम अगर इसे बढ़ा देते हैं, इसे 100 पर कर देते हैं तो पीछे वाला जो ये हमारा ये बैकग्राउंड है ये ब्लर हो जाता है और हमारी जो फ़ोटो है जो ऑब्जेक्ट है वो एकदम से हाईलाइट हो जाता है, वो कलर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसको हम 100 पर रहने देते हैं और सैचुरेशन को हम 0 पर कर देते हैं, ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं। तो ये देखिए कितनी गजब की लुक आ चुकी है हमारी फ़ोटो की। इससे अब हम इसमें फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। फ़िल्टर जैसे ये देखिए इसमें अलग अलग तरह के फ़िल्टर दिए हुए हैं। अब कोई भी फ़िल्टर यूज़ करके अपनी फ़ोटो को एक अलग लुक दे सकते हैं और इंस्टाग्राम या ट्विटर या फेसबुक पर अपलोड करके काफ़ी सारे लाइक और कमेंट्स इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये बड़ी ही इजी ऐप है। किसी को अगर फ़ोटो एडिटर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो इस एप्लीकेशन का यूज़ करके वो अपनी फ़ोटो को बड़ी आसानी से एडिट कर सकता है। ये देखिए अब मैं एक दूसरी फ़ोटो को इसे हम सेव कर लेते हैं और एक दूसरी फ़ोटो को आपको मैं एडिट करके दिखाता हूँ। सेव करने के बाद ये देखिए ये इंस्टाग्राम में जो आपने हैशटैग लगाने हैं उसका भी आपको ये ऑटो टैग आपको यहाँ सजेस्ट कर देता है।
यहाँ से हम बैक चलते हैं। अब जैसे मैं ये वाली फ़ोटो को ले लेता हूँ और इस फ़ोटो का हम बैकग्राउंड ब्लैक ब्लैक एंड वाइट करके देखते हैं, तो यहाँ ब्लैक बैकग्राउंड पर क्लिक करते हैं और एडिट पर क्लिक करते हैं और सेचुरेशन पर क्लिक करते हैं और इसे हम ज़ीरो कर देते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं और ब्लर भी इसका बढ़ा देते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए ये फ़ोटो भी एडिट हो चुकी है और ये सेव हो चुकी है हमारी गैलरी में। इसके भी हैशटैग, इसने इंस्टाग्राम के हैशटैग जो हैं यहाँ हमें सजेस्ट कर दिए हैं। अब हम गैलरी में जाके चेक करते हैं कि ये फ़ोटो हमारी कहाँ सेव हुई है। ये गैलरी में क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे पास AI कट के नाम से एक फोल्डर दिखाई देने लगेगा। ये देखिए हमारी ये फ़ोटो यहाँ सेव हो चुकी है। इस तरह से आप किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं या उसमें कंट्रास्ट और ब्राइटनेस में कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये एप्लीकेशन आपको? उम्मीद करता हूँ ये एप्लीकेशन आपको अच्छी लगी होगी। इस एप्लीकेशन को एक बार यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इजी एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक हमारी पुरानी पुरानी वीडियोज़ को वॉच करते रहिए। बाय बाय।